नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का एक वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे डैशबोर्ड पर, हेल्थ आईडी कार्ड कैसे बनाएं, ये हमने वीडियो एक दिन पहले बनाया था। इस पर जो है आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इसी को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए इसका जो एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आईडी बनाने के बाद, मैं ये वाला वीडियो भी आपको जो है आई बटन पर दे दूंगा। इसको आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। और जब आप देखेंगे, आप आईडी क्रिएट करेंगे, आईडी क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको चलना है दोस्तों प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर लिखना है NHDM। हम यहाँ NHDM लिखेंगे और यहाँ पर आप उस पोर्टल को जो है देख पाएंगे। यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, मेरे जो है ऑलरेडी इसमें, ये देखिए NDHM करके ये जो आ रहा है, आप यहाँ पर NDHM लिखेंगे, हेल्थ रिकॉर्ड। ये एप्लीकेशन देखिए दोस्तों, ये अभी जो है अपडेट किया गया है और अभी इसको 100K से ज़्यादा डाउनलोड इसको मिल चुके हैं। काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन है दोस्तों, ये आपके रिकॉर्ड को जो है इस तरीके से रखेगा। आप यहाँ पर 14 नंबर की हेल्थ आईडी नंबर डाल सकते हैं, या फिर एग्जांपल के लिए जो आप आईडी बनाएंगे, PHR एड्रेस, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, पासवर्ड जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम बनाएंगे वो। और इस तरीके से दोस्तों आपकी जानकारी आ जाएगी और आप किस दिन किस हॉस्पिटल में कहाँ आपने जो भी करवाया है, वो सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा यहाँ फैच हो जाएगा और सारी आपकी हेल्थ हिस्ट्री जो है यहाँ पर आने वाली है। तो दोस्तों मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये लॉगिन मांगेगा और लॉगिन मांगने के बाद हम जो है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये दोस्तों हमने इसका PHR एड्रेस लिख दिया है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर पासवर्ड लिख देते हैं। ये पासवर्ड लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से लॉगिन कर दिया गया है। ये लॉगिन करके आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा रहा है लिंक रिकॉर्ड। कोई और आपको रिकॉर्ड लिंक करना हो तो आप यहाँ लिंक रिकॉर्ड पर जाएंगे दोस्तों। यहाँ से आप अपना जो है राज्य सेलेक्ट करेंगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आप अपना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। उस तरीके से जो है दोस्तों आप यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को लगा सकते हैं। एक दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा कोविन वैक्सीनेशन, आप कोविन वैक्सीनेशन पर यहाँ लिंक रिकॉर्ड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है ABPMJAY और कोविन। यहाँ आप कोविन पर जो है क्लिक करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा, जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है आपको वैक्सीन लगी थी। और यहाँ पर जैसे ही आप उसको डाल देंगे दोस्तों, तो इस तरीके से ये कोविन वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा आ रहा है अटैचमेंट में, ये जो परफॉर्म किया गया था, सेकेंड डोज 7 जुलाई को लगा था। हम यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट आ गया है। और ये जो फाइनल फुली वैक्सीनेटेड सेकेंड डोज सर्टिफिकेट जो हमारा है, ये यहाँ पर आप इसको अटैच कर सकते हैं। और भी काम दोस्तों इसमें दे रखे हैं, आप यहाँ पर जाकर अपनी आईडी का, या देखिए आपका ये QR कोड है, ये भी आप जब स्कैन कराएंगे किसी भी हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो इससे भी आपकी पूरी जानकारी, आपकी हेल्थ आईडी नंबर वगैरह ले ली जाएगी। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आधार वेरीफाइड ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप कंसेंट पिन भी बना सकते हैं, पासवर्ड भी आप अपडेट कर सकते हैं, लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ प्रोवाइडर्स देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ से जो डेटा उठाया है वो आप कोविन देख रहे हैं। यहाँ रिक्वेस्ट पर कोई आपकी अगर रिक्वेस्ट यहाँ पर डली हुई है तो आप वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ प्रोवाइडर्स में ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं, यहाँ भी आप जो है अपने डेटा को, अगर कोई और पुराना डेटा आप यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं, तो उस डेटा को भी आप इजीली दोस्तों यहाँ से स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वो एप्लीकेशन जिसकी मदद से अब आप पूरे देश में जो है हेल्थ आईडी बनने के बाद अपने हेल्थ हिस्ट्री को, हेल्थ डेटा को अपने साथ मोबाइल में रख सकेंगे। और आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पर आपके PHR एड्रेस और आपकी हेल्थ आईडी के साथ जो है पूरा डेटा आपका फैच कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं।
और शेयर करने के बाद अपने दोस्तों को बता सकते हैं किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। आप इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बता पाएंगे, आप कमेंट के माध्यम से मुझे भी बता सकते हैं कि और किस तरीके की वीडियो आप इन फ्यूचर हमारे चैनल से चाहते हैं। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।